देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। अभी तक जो चिकित्सालय केवल पारमार्थिक चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था, वह पश्चिमी क्षेत्र के उन्नत अस्पताल के रूप में जाना जाएगा। यहां आधुनिक तकनीक के समावेश के साथ रोगियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। उन 50 वर्षों से जिस चिकित्सालय ने सेवा को सर्वोपरि माना, वह अब चिकित्सक और तकनीक के साथ सुविधा युक्त भी हो गया है। इसे उन्नत बनाने के लिए एक बार फिर शहर के दानदाताओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। यह बात अतिथियों ने सोमवार को श्री क्लॉथ मार्केट शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के शुभारंभ अवसर और नवीनीकरण में सहयोगी दानदाताओं का सम्मान कार्यक्रम में व्यक्त की। अस्पताल परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम के अतिथि राजरतन वायर के चेयरमैन सुनील चौरड़िया और कृति उद्योग समूह के चेयरमैन शिव सिंह मेहता थे। आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक व सर्जन डॉक्टर के त्रिवेदी ने की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने दूरभाष पर चर्चा कर सेवा के प्रयास और आयोजन की प्रशंसा की। संस्था अध्यक्ष गिरधर गोपाल नागर ने सुनील चौरड़िया, पुरुषोत्तम पसारी व कैलाश मुंगर ने शिव सिंह मेहता और हंसराज जैन ने डॉक्टर के त्रिवेदी का स्वागत किया। कोषाध्यक्ष विनीत कोचर ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन सचिव रजनीश चौरड़िया ने किया। आभार कैलाश मुंगर ने व्यक्त किया। अस्पताल को उन्नत बनाने के लिए शहर के कई समाज सेवियों और सामाजिक संस्था ने सहयोग प्रदान किया। इन संस्थाओं और समाज सेवियों को आयोजन में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 1974 में 235 समाज सेवियों के सहयोग से जिस अस्पताल की स्थापना हुई थी, उसे सतत संचालित करने और आगे बढ़ाने के प्रयास में आज कई नाम जुड़ गए हैं। वर्तमान में इस अस्पताल में 4 पूर्णता सुसज्जित एवं मॉड्यूलर वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर बन गए हैं। गहन चिकित्सा इकाई में 21 बेड हृदय रोग और अन्य गंभीर रोगों के उपचार के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा मेडिकल, सर्जिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग के उपचार हेतु 100 बेड व नव श्रृंगारित जनरल वार्ड में उपलब्ध है। यहाँ नया ओपीडी, महिला पुरुष के लिए अलग अलग वार्ड, इकोनॉमिक वार्ड में 6 बेड, पोस्ट ऑपरेटिव में 6 बेड सिर्फ महिलाओं के लिए भी शामिल किए गए हैं। अब अस्पताल और भी हाईटेक और सुविधा युक्त बनाया गया है ताकि रोगियों का बेहतर ढंग से उपचार हो सके। नव संगारित स्वरूप सामने आया है, बड़े मात्रा में दानदाताओं ने अपना सहयोग दिया, क्या कहना चाहेंगे ये नव संगारित स्वरूप? मैं यह इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन के पास हम गए, सबने हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में दान दिया है। और आज मैं बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि यह क्लॉथ मार्केट जो कि 50 वर्ष हो चुके हैं, यह आज पश्चिमी क्षेत्र का सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो गया है। और इसके लिए जितना प्रयास किया गया है, वह मेरे जितने पदाधिकारी हैं उन सबका मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने इस कार्य को इतने अच्छे ढंग से संपन्न करा। बहुत ही कम से कम लागत में इतना अच्छा अस्पताल बना देना, यह उनके ही महत्व, उनके ही विज़न का यह संभव हो पाया है। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों से भी अपील करूंगा कि बड़े बड़े अनाप शनाप खर्च जो आज बड़े बड़े अस्पताल में मेडिकल सुविधा मिलती है, वह सभी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर हम न्यूनतम शुल्क में दे पाएंगे, यह मैं विश्वास उनको दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, एक तो समय बड़ा है कि ये नवगढ़ परमार्थिक हॉस्पिटल है, इंदौर का समय बड़ा परमार्थिक हॉस्पिटल है और डेली 400 ओपीडी करीकर में आ रही थी और 150 मरीज डेली यहाँ पे भर्ती रहते हैं। तो एक लक्ष्य लेके हम आए थे कि इंदौर का सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक हॉस्पिटल बनाना, और इसमें हमने बेस्ट लेवल के, बहुत उत्तम लेवल के प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड भी हमने प्राइवेट लेवल के बनाए, जिसमें आप देखेंगे कि वो वैसा लगेगा आपको कि मतलब प्राइवेट से भी उच्च क्वालिटी है। सारी सुविधाएँ यहाँ पर मरीजों को पूरी निश्चित तौर पर मिलती है और न्यूनतम रेटों में मिलती है। और हमारा लक्ष्य है, इसको दानदाताओं के सहयोग से आज जो कार्य हुआ, दानदाताओं ने बहुत बढ़ के सहयोग दिया, हमने सोचा उससे ज़्यादा सहयोग दिया और हमारे बिना संपर्क के भी लोग चल के हमारे पास आए, ये हमें लगता है कि इससे अच्छी इस अस्पताल के लिए इसकी प्रामाणिकता से जो है उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नवीन ऑपरेशन थिएटर की क्या खासियत? नवीन ऑपरेटिंग थिएटर ये कि आज मॉड्यूलर ओटी जो है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो आप फंगस और जो है ऑपरेशन जब होता है तो आपको किसी को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और इन्फेक्शन लेस यदि मॉड्यूलर ओटी होता है तो सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन का जो वर्क होता है वो है। तो वो पहली हमने मॉड्यूलर ओटी आज 20 लाख रुपए के लागत से मॉड्यूलर ओटी बनाई, तो यहाँ सर्व उत्कृष्ट क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के यहाँ पर ऑपरेशन हो सकेंगे और आम मरीजों को भी उस उत्कृष्ट क्वालिटी की मरीज फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज़ादी के बाद जब इंदौर में मेडिकल की व्यवस्था सिर्फ MY में थी, जब पद्मश्री पाटोदी जी ने इस अस्पताल की स्थापना की मार्केट के व्यापारियों के सहयोग से,
आज निश्चित रूप से उनकी आत्मा संतुष्ट हुई होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ने इस काम को पूरी तरह संभाल लिया। और बस वास्तव में काफ़ी समय हो चुका था और अस्पताल में रिनोवेशन की अत्यंत आवश्यकता थी, और इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना निश्चित रूप से एक चुनौती थी। उसको कपड़ा मार्केट के हमारे साथियों ने पूरी ताकत से पूरा किया और बहुत अच्छी तरह से इस अस्पताल को श्रृंगारित किया। आगे निश्चित रूप से हम पश्चिम क्षेत्र के लोगों की लगातार सेवा करते रहेंगे और आगे इस प्रकार की और भी जो कार्य करना होगा वो आगे करते रहेंगे। कितने दानदाताओं ने सहयोग दिया और किस तरह से इसको आगे? सर, प्रथम तो आपको बता दूं कि क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के अंदर जो भी पूरे 21 कार्यकारिणी के मेरे सदस्य लोग हैं, इन लोगों को सबके सुप्रत अलग अलग संस्थाएँ की गई थी इस बार, और सब अपनी अपनी एक एक संस्थाएँ सब लोग देखते थे। उसमें निश्चित रूप से सब ने अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें सर्वश्रेष्ठ सोच के साथ में, नई सोच के साथ में, और नित्य रोज 3 घंटे देकर जिस प्रकार से भाई रजनीश चोड़िया, विनीत कोचर, गिरधर गोपाल जी नागर, इन लोगों ने जो इस सेवा की भावनाओं को साथ में रखते हुए और इसको नवीन आयाम तक ले जाने के लिए जो सेवा समय दिया है और जो सोच रखी है, उसके लिए मैं इनका तो बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में इस पूरे कपड़ा मार्केट के व्यापारियों का और इन दानदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त हूँ, जिन्होंने हमारी संस्था के प्रति इतना अधिक विश्वास जताते हुए उदार मन से दान दिया है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।